हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की हम पूरे डिटेल्स वीडियो देखते हैं कि आज पूरे दिन क्या मार्केट में हुआ, किस कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है और किस किस के रिजल्ट आए हैं और कैसे रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी मैं 2-3 दिन से आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसके लिए मुझे क्षमा करें। उम्मीद है कि अब मेरा स्वास्थ्य सही है तो आगे मैं जारी रखूँगा। तो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है, NHPC लिमिटेड ने 0.35 का डिविडेंड का अनाउंस किया है। कल्याणी फोर्स लिमिटेड ने 1.50 का डिविडेंड का अनाउंस किया है। हिंद इलेक्ट्रीफायर्स ने 0.40 का डिविडेंड का अनाउंस किया है। LG बालकृष्ण एंड ब्रदर्स ने 10 का डिविडेंड का अनाउंस किया है। डायनाटी लिमिटेड ने 0.50 का डिविडेंड का अनाउंस किया है। पौधा हंसिंग एवं डेवलपमेंट लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में घटा लिया है। NHPC लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में 427.55 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। हाइड्रोन टेक्सटाइल ने क्वार्टर फोर में 27.53 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। सांगी इंडस्ट्रीज ने क्वार्टर फोर में 25.99 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। LG बालकृष्ण ब्रदर्स ने क्वार्टर फोर में 57.98 का 8 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। LG बालकृष्ण ब्रदर्स ने क्वार्टर फोर में 57.98 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। हिंद इलेक्ट्रीफायर्स ने क्वार्टर फोर में 85.35 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। डायनाटी लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में 5.3 की अपेक्षाकृत घाटा लिया है। ईक्लैक सर्विस ने 1 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। ITL इंडस्ट्रीज ने 0.50 का डिविडेंड का अनाउंस किया है। हैरिसन मलयालम लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में 17.29 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। ITL इंडस्ट्रीज ने क्वार्टर फोर में 1.55 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। ईक्लैक्स सर्विस लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में 98.38 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। नेशनल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ने क्वार्टर फोर में 1.83 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कन्वर्स ऑफ इन्वेस्ट लिमिटेड ने 0.50 का डिविडेंड अनाउंस किया है। मयूर इन गुड्स लिमिटेड ने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। टाइड वाटर ऑयल कंपनी ने डिविडेंड और 1/1 बोनस जारी करने का अनाउंस किया है। CSIR, IICT और SUBN फार्मा ने प्रतिक्रिया प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण एवं NTCOVID की दवाओं में मोलनुपिरवीर और 2-DZ के निर्माण के लिए हाथ मिलाया है। कॉस्मोक फिल्म्स ने 100% कॉस्मोक फिल्म्स लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी कॉस्मो स्पेशलिटी केमिकल्स ने फेब्रिकाइजर लॉन्च किया है। धनवर्षा इन्वेस्ट लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में 1.16 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मयूर यूनिकोडर्स लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में 34.66 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। CG वर्क सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में 1 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। निवेश और प्रेजिशन कास्टिंग्स लिमिटेड ने 1.25 का क्वाट्रेंस टेलीवेंचर्स लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में नुकसान लिया है। टाइड वाटर ऑयल कंपनी ने क्वार्टर फोर में 36.66 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। CG वैक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ने क्वार्टर फोर में 1.75 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसीजन कॉस्टिंग्स लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में 2.89 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मजगाम डाक से बिल्डर्स ने क्वार्टर फोर में 1.83 का डिविडेंड अनाउंस किया है। NHC फूड्स लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में 32.24 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। प्रवेश कम्युनिकेशन इंडिया ने क्वार्टर फोर में 5.19 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। GP पेट्रोलियम्स लिमिटेड ने क्वार्टर फोर में 4.86 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़, अगर आपको पसंद है तो इसको एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।